आइए आपका स्वागत है, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति लगू महाराष्ट्र में अपना प्रैक्टिस करता हूँ। कभी दूर दूर से हमारे यहाँ लोग आते रहते हैं, थक जाते हैं, मेडिसिन लेते रहते हैं और फिर हमारे पास में आते हैं कि चलो भाई आखिरी का भी आपके पास में इलाज करें। फिर हमें भी जरा प्रेशर आता है कि चलो भाई आखिरी का इलाज बोल रहे हैं, इतने दूर से आया हुआ है, फिर हमको उसका इलाज करना है, अभी कैसा होगा क्या होगा। तो मैं ऐसे आपको कुछ केस स्टडी बताता हूँ कि जिसमें हमने हमारा पूरा क्लिनिकल ताकत, हमारी पूरा क्लिनिकल जो एक्यूमेन था, नॉलेज था, पूरा लगा के बहुत उसके ऊपर मेहनत करके पेशेंट को ठीक किया। जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो उनको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, लगता है कि चलो भाई ये इतने दिन आगे हमारे पास में रहे और हमारा हमारा जो हार्डवर्क था उसका फल हमको मिले। तो आइए उसके बारे में लेते हैं। आइए, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, केळकर हॉस्पिटल रामदासपेठ अकोला। मैं डॉक्टर सुनील खराटे पिछले 10 सालों से केळकर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूं, सेवा दे रहा हूं और आज मैं आपके सामने जो ला रहा हूं, जो रुग्ण है, जो पेशेंट है, बहुत बड़ी हस्ती है जिनका ताल्लुक फिल्म सिटी से है। वो खुद की फिल्में बनाते हैं, फिल्म में एक्टिंग करते हैं और उनके उनका स्वतः खुद का यूनिट है और वो वहां से आते थे। लेकिन कुछ दिन ऐसा हो गया कि उनको कुछ इंसिडेंस हुआ और वो इंसिडेंस की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। जब अपना वीडियो देखा तो वीडियो देखने के बाद में अपने यहाँ पे आए, तो चलिए अपन उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम शिवम शुक्ला है। शिवम शुक्ला, ओके। हाँ हाँ, कहाँ से हो आप? मैं खंडवा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मैं दिल्ली में रह रहा था। अच्छा। दिल्ली में मैं थिएटर कर रहा था, तो थिएटर में मैं कम से कम 3 साल मैंने थिएटर करा। ओके। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थिएटर करा, अंडर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैंने थिएटर करा। ओके। तो क्या हुआ, थिएटर में मतलब अब 100 प्रकार के लोग रहते हैं, 100 प्रकार में से कम से कम 10% ऐसे लोग रहते हैं जो मतलब लड़ाई झगड़े और मतलब डिस्टर्बेंस वाले रहते हैं। सही बात, सही बात। कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। बराबर। तो सर मैं तो अपने सपने लेके गया था। अच्छा। कि मुझे एक्टिंग ही करना है, एक्टिंग में एक फोकस रहता ना कि मुझे बस एक्टर बनना है। बराबर। एक जोश बस वो। बराबर है। तो क्या हुआ, जब हम प्रैक्टिस करते थे तो वो जो लड़के थे, मतलब कुछ ग्रुप्स में ऐसे लड़के, कहाँ थे? दिल्ली में। दिल्ली में। दिल्ली में। ओके, ओके। कुछ लोग वो ऐसे थे तो उनको पता है, मतलब हम जब परफॉर्मेंस करते थे, अब मैं तो एक खंडवा से, एक नॉर्मल सिटी से, मध्य प्रदेश के नॉर्मल सिटी से, एक मिडिल क्लास फैमिली का, ना मेरे माता है, ना पिता है, ना ब्रदर, ना सिस्टर, मैं अकेला हूँ। तो मैं अपना चले गया, मैं तो मतलब मामा जी मेरे सपोर्ट करते हैं, मामा जी गार्डियन है मेरे, तो मैं वहां चले गया। देखिए, एक अकेला आदमी, माँ बाप का साया नहीं है, माँ चली गई, पिताजी चले गए, ऐसे में इनके दिल में एक उम्मीद का दिया जल गया कि अपन एक्टिंग की तरफ मुड़ते हैं और एक्टिंग के लिए वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो होता है वहां पे पढ़ने के लिए गए और वहां पे इनके साथ में जो इंसिडेंस हुआ उन्हीं की जबानी में अपन सुनते हैं। वो थिएटर ग्रुप था, थिएटर ग्रुप में अब मैं एक सच्चा आदमी हूँ क्योंकि एक्टिंग वही कर सकता है जो सच्चा है। सही बात, सही बात। क्योंकि अगर आप गलत हो गए तो आपके दिमाग में वो गलत भावना चलेगी, बराबर डायलॉग आप बोल ही नहीं पाओगे। तो जैसे कि मैंने बताया 100 प्रकार के रहते हैं, 10% वैसे रहते हैं। तो वो उन्होंने मेरे साथ रैगिंग लेना शुरू कर दी। आपके साथ में रैगिंग करना शुरू कर दिया? रैगिंग लेना शुरू कर दी। वो रैगिंग लेते थे, मतलब मेरे को कहीं मेरे पे पानी फेंक देना, कहीं अच्छा। मतलब मेरे को मजाक करना, चीप वाहियात मजाक करना, ये सब होने के ये सब होने लगा मुझे। और मैं अच्छा एक्टिव बनता था, अच्छा एक्टिव, मतलब जोश जुनून और उसके साथ गया था मैं। तो ये 3 साल, मतलब 2 साल तो मेरे सही गए, बस लास्ट में ये ऐसा मतलब वाकया हुआ मेरे साथ। ओके, ओके। तो वो जो जितने वो लोग थे तो उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। क्या आप उनके साथ में वहां पे रहते थे? नहीं, हाँ मैं उनके मतलब ग्रुप है, ग्रुप था, तो ग्रुप में हम साथ में ही काम करते थे। ओके, ओके। तो अब जैसे मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो वो मतलब जेलेसी शुरू हो गई। फिर अब वो जेलेसी शुरू हो गई तो वो उन्होंने सब मेरे को डिस्टर्बेंस करना शुरू कर दिया। अब मैं अंदर ही अंदर घुटता गया। तो मुझे पता है, फिर अब कुछ ऐसे, अब हम जब घर से बाहर निकलते हैं, ये तो हो ही रहा था, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, ऐसे फ्रेंड बन जाते हैं जिनके चक्कर में हम अल्कोहल पीने लग जाते हैं, अच्छा सिगरेट पीने लग जाते हैं। तो मैं करता नहीं था ऐसे नशे, पर मैं नशे में लग गया, तो ये मेरी गलती थी कि मैं भी नशे में लग गया। और जब मैंने ये नशा करना शुरू करा और जब ये मेरे को रैगिंग ये सब कर रहे थे, तो मैं
मुझे एकदम से सडनली एकदम से पैनिक पैनिक हो गया मैं पैनिक मैं, हो मैं एक्टिंग कर रहा था, एक्टिंग करते वक्त मैं पैनिक हो गया, मतलब पैनिक अटैक आ गया मुझे, पसीना आना शुरू हो गया मुझे, पसीना आना शुरू हो गया, हाथ ऐसे कपकपाने लग गए मेरे, दिल की धड़कन ऐसी तेज होने लग गई, आंखों में से आंसू आने लग गए, और वो तो परेशान कर रहे थे, मैं एकदम से पैनिक हो गया, बराबर बराबर, और मेरे हाथ ऐसे से कपकपाने लग गए, ये सब होने लग गया, मेरे को स्वेटिंग आने शुरू हो गई, मैं चलूं तो मतलब मेरे पैर ऐसे ऐसे कपकपाने लग गए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने लग गया, नेगेटिव थॉट्स आने लग गए, एंजाइटी इतनी बढ़ गई थी, एंजाइटी और ओसीडी होना शुरू हो गया, बार बार मैं दरवाजा खोलू बंद करूं, क्योंकि वहां रेंट पे बराबर बार बार दरवाजा खोलू बंद करूं ये कर, ये सब होने लगा मेरे को, ओसीडी एंग्जाइटी और स्किज़ोफ्रेनिया के सब लक्षण आना शुरू हो गए, ये सब होना शुरू हो गया मेरे को, तो मेरा जो नॉर्मल लाइफ थी वो पूरी बेकार हो गई। अच्छा, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे साथ ये रैगिंग ले रहे थे, तो मैं अंदर ही अंदर मानसिक घुटन हो रहा था, अंदर के अंदर घुटन हो रहा था, मुझे डर लग रहा था, डर ये लग रहा था, क्योंकि वो तीन चार जने हैं, कहीं मार तो नहीं देंगे। अच्छा, स्वाभाविक बात है, मैं तो मेरा कोई पहचान वहचान का भी नहीं कोई दिल्ली में, मैं तो अपने सपने लेके गया, ये दो साल तक सही चल रहा था, लास्ट के थर्ड ईयर ये प्रॉब्लम हुई मेरे को। अब तो उनका भी डर, फिर स्ट्रेस आना, और फिर कुछ गलत दोस्तों की संगत लगना, ये सब होने के बाद ये सब एंजाइटी ये सब हुआ मुझे, मैं पूरा डिस्टर्ब हो गया, मैं घर में 5 महीने तक मैं खंडवा आ गया, मैं 5 महीने तक, आप यकीन नहीं करोगे, मैं 5 महीने तक घर में रहा, रिटर्न आ गए दिल्ली से, दिल्ली से रिटर्न आ गए, क्योंकि उन्होंने मुझे मारने की भी कोशिश करी, क्योंकि वो मेरी परफॉर्मेंस से जेलस होते थे, तो मैं वापिस आ गया मैं। अब घर पे जब मैं वापिस आया तो मैं 5 महीने तक घर में ही रहा। अच्छा, 5 महीने तक मैं तो घर में क्या क्या लक्षण थे आपके? घर में मैं मतलब ऐसा डरू, डर लगता डर लग रहा था, मैं चिल्ला रहा था, मैं बार बार गेट खोल के देख रहा था। अच्छा, और कोई जैसे कोई रिश्तेदार आ रहा है, कोई चमक गया। और बाहर जब मैं गया, जब मैं बालकनी में गया, तो कोई ग्रुप ऐसा खड़ा है, तो वो मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे बारे में बातें कर रहा है। अच्छा अच्छा, वो मेरे बारे में बातें कर रहा है, मुझे ऐसे ऐसे हो रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था हेलुसिनेशन आना शुरू हो गया, मुझे ऐसा कभी कभार ऐसा लग रहा था मैं पानी पे चल रहा हूँ। अच्छा, ओके, ये हो रहा था। फिर मेरे को मोबाइल चलाने की आदत है, गेम्स खेलने की आदत है, तो मैंने एक दिन सडनली क्या हुआ, मैंने एकदम से यूट्यूब चैनल खोला, तो यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर दीपक केलकर का एक वीडियो आया। बराबर। अब जब मैंने वो वीडियो खोला सर, जब वो वीडियो मैंने खोला तो वीडियो देखा मैंने, तो जो मेरे को लक्षण हो रहे थे तो सेम टू सेम वो सर ने बताया, तो मैं उससे इम्प्रेस हो गया, मेरे को मतलब मैं कन्विंस हो गया कि मेरे लिए ये वीडियो बना है, ऐसा आपको लगा? हाँ, मुझे ऐसा लगा ये मेरे लिए वीडियो बना है। बराबर, क्योंकि इससे पहले, इससे जब मैं आया तो इससे पहले 2-3 और डॉक्टर्स को बताया, उन्होंने मेडिसिन दी, पर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। पर जब मैंने वो जैसे ही वीडियो देखा, और जब उन्होंने लक्षण बताया, लक्षण वही के वही बताया, बराबर, तो मैं इम्प्रेस हो गया, मैं कन्विंस हो गया, तो डायरेक्ट मैं खंडवा से अकोला आया। खंडवा से मैं अकोला आया, सर को मैंने बताया, मात्र उन्होंने मुझे बोला हिप्नो काउंसलिंग, मैंने बताया क्या, अक्सर क्या होता है जब हम डॉक्टर के सामने बैठते हैं, बराबर, ये मेरा मेंटली लेवल इतना स्ट्रांग है, क्योंकि ये हो रहा है, ये दिमाग, सर आप डॉक्टर हो, मैं तो छोटा हूँ उम्र में, आपको दिमाग के केमिकल्स का पता है, ये सब पता है, बराबर है, पर सर एक ये नॉलेज के अनुसार हम जब भी डॉक्टर को बताने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर के सामने खुल के कुछ नहीं बोल पाते हैं, बोल नहीं पाते, बोल सही बात है, 100 में से हम कितने बोलते हैं, 20% बोल पाते हैं, बचा के रखते हो, मैंने सब लिखना शुरू कर दिया कि सर मेरे को ये हो रहा है, सब A to Z मैंने हिस्ट्री लिखी, और मैंने सर को बताया, सर को मैंने जब बताया तो सर ने बोला हिप्नोसिस काउंसलिंग होगी, मेडिसिन दी, मात्र 20 दिन में सर मैं आज मेरे अंदर ऐसा जोश है, जज्बा है, वो मैं पहले जैसा बन गया। अच्छा। सर ने मेरे को थायराइड का टेस्ट बोला, सर ने फुल बॉडी का चेकअप करवाया, और सर ने जो गोली दी, और गोली भी इतनी सस्ती थी, 500 रुपए के अंदर। अच्छा। और महंगी महंगी, और फीस भी सर की इतनी सस्ती, तो मतलब 20 दिन में वह वापिस हो गया, और आज मेरे लिए ऑफर आ रहे हैं, आज मैं अपनी लाइफ जी पा रहा हूं, तो मैं डॉक्टर केलकर सर का, डॉक्टर दीपक केलकर सर का, डॉक्टर अमोल सर का, आपका, पूरी टीम का, इम्तियाज जलील साहब का, खराटे सर का, आप
जो आपका मैं सब थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपके आप सभी के वजह से आज मैं अपनी लाइफ जी पा। और आपने भी सहयोग देखिए, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोला है कि हमारे पास में जब लोग आते हैं, हम जब हिस्ट्री उनको पूछते हैं तो पूरी बताते नहीं। इन्होंने जो बोला कि 20% रखते हैं लोग, दबा के रखते हैं कि पूरी बोलते नहीं, लेकिन ये डिशेज ऐसे ऐसे है कि ये डिशेज में आप जितना खुल के बोलोगे, जितना खुला एकदम कपट होगा आपका, उनके हिसाब से फिर सर आपको ट्रीटमेंट देंगे और आपको आराम जल्दी हो जाएगा। तो देखिए इनकी कहानी आपने सुना है, और अभी 20 दिन के पहले अगर मैं ये पेशेंट दिखाता था तो एकदम ये डिप्रेशन में पेशेंट था, सुस्त था, कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन आज जो पेशेंट है आपने देखा है खुद। सर मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बोलिए बोलिए। बिल्कुल, मैं चल ही नहीं पा रहा था, मैं इतना टेंस था, मतलब सर दुख रहा था, आंखें ये थी, और दीपक सर ने ही मेरे को कंसल्टेशन करा कि आप चश्मा भी लगेगा। देखिए 20 दिन के पहले मैंने पहले बोला था कि 20 दिन के पहले की हालत इनकी ये थी, ये हालत थी। अच्छा 20 दिन में यहाँ एडमिट था। हाँ 20 दिन में यहाँ एडमिट था, 20 दिन में तो हिप्नो काउंसलिंग मेडिसिन हो सर हाथ देखो कैसा मिला रहा हूँ, एकदम एकदम बढ़िया, पूरा पहले जैसा हो चुका हूँ। तो सर मैं दीपक सर का फिर से एक बार केलकर हॉस्पिटल की तरफ से, मैं डॉक्टर खराटे मेरी तरफ से, हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से इनको हमारी बधाइयां है, शुभकामनाएं है कि इनकी फिल्में बहुत चले और ऐसे ही लोग ये वीडियो देख के प्रेरित हो जाए और उनका जीवन सुखी करे, यही हमारी इच्छा है। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।